हर बच्चे को नए स्वादों और बनावटों का पहला स्वाद, हर माँ की खट्टी मीठी मुस्कान जब उसका बच्चा स्वतंत्र कदम उठाता है, ये वे अध्याय हैं जो पितृत्व के ताने बाने को बुनते हैं। यह एक यात्रा है जो स्तन से कटोरे तक, आलिंगन से जिज्ञासा तक जाती है, सब कुछ कनेक्शन के सार को संरक्षित करते हुए। दूध छुड़ाना बच्चों के लिए एक छोटे से साहसिक कार्य की तरह है। यह तब होता है जब वे अपनी माँ का विशेष दूध पीने के बजाय अलग अलग चीजें खाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें मजबूत और स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए अधिक स्वादिष्ट चीजों की आवश्यकता होती है। दूध छुड़ाना यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि उन्हें वे सभी अच्छी चीजें मिले जिनकी उन्हें जरूरत है। अब दूध छुड़ाना कब शुरू करना है यह तय करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यह किसी मजेदार यात्रा पर जाने के लिए सही समय चुनने जैसा है। कभी कभी माताएं अपने स्वयं के स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य या यदि उन्हें काम पर वापस जाना है के कारण दूध छुड़ाना कब शुरू करना है इसका चयन करती है। डॉक्टर बच्चों को पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देने की सलाह देते हैं। उसके बाद बच्चे 1 वर्ष की आयु तक स्तन के दूध के साथ साथ विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर सकते हैं। और क्या, 1 वर्ष का होने के बाद वे गाय का दूध पीना शुरू कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे कब तैयार हैं? ठीक है, तो बच्चे बहुत चतुर होते हैं। भले ही वे हमारी तरह बात नहीं कर सकते, जब वे दूध छुड़ाने के लिए तैयार होते हैं तो वे हमें संकेत दिखाते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि क्या वे माँ के दूध बार से पीते समय कम रुचि रखते हैं या उधम मचाते हैं। वे कम समय के लिए पी सकते हैं या आसानी से विचलित हो सकते हैं। कभी कभी वे भोजन करते समय इधर उधर खेल सकते हैं, जैसे खींचना या काटना भी हो। और अगर वे सिर्फ आराम के लिए दूध चूस रहे हैं लेकिन वास्तव में ज्यादा दूध नहीं पी रहे हैं, तो यह भी एक संकेत है। दूध छुड़ाने का एक तरीका यह है कि हर हफ्ते 1 बार दूध पिलाना बंद कर दिया जाए। हो सकता है कि आप उसे दिन के बीच में ही रोक दें, क्योंकि यह सबसे छोटा है और आप सोने का एक समय रख सकते हैं जो एक आरामदायक बंधन समय की तरह है। यदि कोई बच्चा जल्दी स्तनपान करना बंद कर देता है या माँ का दूध पर्याप्त नहीं है तो चिंता न करें। शिशुओं के लिए फार्मूला है जिसे चुनने में डॉक्टर मदद कर सकता है। इसलिए दूध छुड़ाना एक यात्रा की तरह है जहाँ बच्चे नई चीजें खाना सीखते हैं। यह शिशुओं और माताओं दोनों के लिए एक विशेष समय है और यह सब वही करने के बारे में है जो उन दोनों के लिए सबसे अच्छा लगता है।